एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और लेकर आई हूं आपके लिए खतरों के खिलाड़ी के इंसेक्ट टास्क से जुड़ी एक मजेदार खबर। जी हां, आए पिछले कुछ दिनों से एनिमल टास्क और क्रीपी क्रॉलीज और ये सारा जो पूरा माहौल है वो सजा हुआ है खतरों के खिलाड़ी के सेट पर। एक के बाद एक इंसेक्ट टास्क हो रहे हैं, एनिमल टास्क हो रहे हैं, डरावने से डरावना टास्क जो है वो सभी खिलाड़ी मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो राहुल वैद्य हो, दिव्यांका त्रिपाठी हो या फिर श्वेता तिवारी हो। अब ऐसे में दोस्तों इंसेक्ट टास्क शूट किया गया था आजकल में, और आपको बता दें अर्ली मॉर्निंग में ये टास्क शूट हुआ था। इस सीजन का पहला आउटडोर टास्क था ये। ऐसी खबरें सुनने में आई हैं कि इस सीजन के अब तक जितने भी टास्क हुए उसमें से मैक्सिमम टास्क जो है वो इंडोर हुए थे। जी हाँ, और ऐसे ही माहौल में हुए थे क्योंकि वहां पर अभी बारिश भी बहुत हो रही है और वहां का माहौल भी, एनवायरमेंट भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे में ये जो इंसेक्ट टास्क हुआ ये पहला आउटडोर टास्क हुआ था और बहुत ही खतरनाक टास्क था क्योंकि मेजर कॉकरोचेस का टास्क था ये, जहां पर आपकी पूरी बॉडी पर जो है वो कॉकरोचेस होते हैं। एक तरह से कोई स्टिकी लिक्विड होता है जो आपकी बॉडी पर लगाया जाता है, जिसके बाद से तो कॉकरोचेस का आपकी बॉडी पर रहना और भी ज्यादा स्टिकी लगता है। ऐसा सुनने में आया, खबरें ऐसी आई कि कंटेस्टेंट्स के आंखों से आंसू आ गए, कईयों के होठों में टास्क परफॉर्म करते वक्त कॉकरोचेस आ रहे थे और इस तरह से पूरा टास्क था। और ऐसे में जो एक मेजर अपडेट आई वो ये थी कि सिर्फ और सिर्फ दिव्यांका त्रिपाठी जो हैं वो इस टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाई और जितने टाइम में उन्हें करना था फास्टेस्ट स्पीड में, वही एक कंटेस्टेंट थी दिव्यांका जो कि इस टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाई। अब दिव्यांका के अलावा भी एक और फीमेल कंटेस्टेंट और एक मेल कंटेस्टेंट थे इस टास्क में, उनसे जुड़ी कोई मेजर अपडेट नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि दिव्यांका ने इस टास्क को सबसे अच्छे तरीके से किया है। और एक बात यहां पे मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, दिव्यांका से जुड़ी जितनी भी टास्क अपडेट्स आती हैं वो कुछ ऐसी ही आती हैं कि वो टास्क को सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है। अब यहां पर इन बातों में फॉल्स हो सकता है क्योंकि हम वो चीजें फॉलो कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर खतरों के खिलाड़ी जो के जो खबरी हैं वो हमारे लिए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राहुल वैद्य का वो जो वीडियो था वो भी इस बात का प्रूफ बन सकता है जो कि शुरुआत में हुआ था सीजन के शूटिंग की, कि दिव्यांका जो है वो एक के बाद एक जबरदस्त टास्क कर रही है और राहुल वैद्य के मुंह से भी हमने ये बात सुनी थी। तो हो ना हो दिव्यांका डेफिनेटली एक स्ट्रांग खिलाड़ी हुई यहां पर बनती हुई नजर आ रही है जिस हिसाब की खबरें। अब इस पर क्या सोचते हैं आप कमेंट जरूर करें।